लोग सोचते हैं कि रिश्ते का मतलब सिर्फ प्यार होता है। नहीं, रिश्तों में बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर आप इनको मैनेज नहीं करते तो वो मर जाएंगे। ज्यादातर लव अफेयर्स ऐसे ही होते हैं, सिर्फ पहले कुछ दिन इसमें खुशी होती है, उसके बाद बस चिंता। कुछ बिल्कुल आफत होते हैं, ठीक है। आप बिना किसी की मदद के अपनी भावनाओं को मीठा बना सकते हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? ये एक बटन जैसा है। आप किसी से मिलते हैं, आपको प्यार होता है, फिर आप कहते हैं नहीं ये सही इंसान नहीं है, फिर आपको किसी और से प्यार होता है। तो सच्चा प्यार क्या होता है, और क्या सच्चा प्यार सही में 2 या 3 बार हो सकता है? मैं इसे समझना चाहती हूँ। देखिए, एक चीज होती है प्यार और एक चीज होती है रिश्ता, ठीक है। रिश्ता 2 लोगों के बीच होता है, वो एक अलग चीज है, ये एक तरह का लेन देन है, बिल्कुल अलग। किस तरह का रिश्ता? दुर्भाग्य से आज अगर आप रिश्ता शब्द कहें तो लोग शरीर पर आधारित संबंधों के बारे में ही सोचते हैं। नहीं, अगर आपका एक भाई या बहन है, आपका उनके साथ भी रिश्ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह शरीर पर आधारित है। आपके माता पिता हैं, आपका उनके साथ संबंध है। आपके दोस्त हैं, आपका उनके साथ भी रिश्ता है। आपके आसपास ये रेडियो वाले लोग हैं, आपका उनके साथ एक रिश्ता है। आप जिन लोगों से बातें करती हैं, आपका उनके साथ भी एक रिश्ता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ शरीर पर आधारित संबंधों को ही रिश्ता या रिलेशनशिप कहा जाए, पर दुर्भाग्य से ये पीढ़ी इस शब्द का यही मतलब लगा रही है। जब हम बड़े हो रहे थे तो इसका वैसे इस्तेमाल नहीं किया जाता था, पर आज एक रिश्ते की बात हो तो लोग सोचते हैं आपका शारीरिक रिश्ता है। बिल्कुल। तो रिश्ता एक अलग मामला है, क्योंकि इसमें 2 या 3 या 10 लोग शामिल होते हैं। फिलहाल यहां आप सभी में एक तरह का रिश्ता है। ये एक किसी रिश्ते से जुड़े हुए लोगों का एक ग्रुप है। परिवार भी आपस में संबंध रखने वाले लोगों का एक समूह है। तो ये एक लेन देन का मामला है। लेन देन अच्छे से चल सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं, है ना? Any transaction, however well cultivated it is, कैसा भी लेन देन हो, चाहे वो कितनी भी सभ्यता से बनाया गया हो, कभी कभी वो बिगड़ जाता है, कभी कभी ये बहुत बढ़िया चलता है। क्योंकि लेन देन में 2 अलग अलग लोग या 10 अलग अलग लोग शामिल होते हैं। अगर लेन देन केवल 2 ही लोगों के बीच हो तो भी बाकी की दुनिया किसी न किसी तरह से उस लेन देन में हिस्सा लेती ही है। कई बार इंसानी रिश्ते 2 लोगों की वजह से नहीं, कहीं और मौजूद किसी तीसरे चौथे इंसान की वजह से टूट जाते हैं, जो उसके साथ कुछ कर देता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। पर अब प्यार की बात है, आइए प्यार को रिश्ते से अलग कर दें। प्यार वो है जो आपके भीतर होता है। रिश्ता एक ऐसी चीज है जो आप दुनिया में करते हैं। आप दुनिया में जो भी करते हैं उस पर हमेशा कई ताकतें असर डालती हैं। दुनिया में हम जो भी लेन देन करते हैं वो कई सच्चाइयों पर निर्भर करते हैं। जब आप दुनिया में शामिल होते हैं तो कुछ सही होता है, कुछ सही नहीं हो पाता, क्योंकि कई तरह की चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। लोग सोचते हैं रिश्ते मतलब सिर्फ प्यार। नहीं, रिश्ते में बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर आप उसे मैनेज नहीं करेंगे ये मर जाएगा। अगर आपने इसे मैनेज न किया टकराव हो जाएगा। पर प्यार वो है जो आपके भीतर होता है। प्यार बाहरी ताकतों के अधीन नहीं है, पर दुर्भाग्य से आज लोग इसे वैसा ही होने दे रहे हैं। पर असल में आपके अंदर जो होता है, आपके इमोशन की मिठास, किसी दूसरे को तय नहीं करनी चाहिए, है ना? आपके भीतर जो होता है उसे आपको तय करना चाहिए। दुनिया में जो चीजें होती हैं आप वो सब तय नहीं कर सकते। आपकी कुछ भूमिका है, पर दुनिया में कितने सारे लोगों की उसमें भूमिकाएं हैं? पर अगर 2 लोग भी हैं तो दूसरे व्यक्ति की भी उसमें 50% भूमिका है। तो वो इसे कैसे लेंगे, क्या होगा, क्या हालात हैं, तरह तरह की चीजें हैं। पर आपके भीतर जो होता है वो वैसे ही होना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। तो जिसे आप प्यार कहते हैं वो एक ऐसी चीज है जो आपके भीतर होती है। पर दुर्भाग्य से लोगों ने आपको बताया है लव इज इन द एयर, प्यार हवा में है, यानी कि वो प्रदूषित हवा है। ये जरूर दिल्ली की बात होगी। दिल्ली में भी इन दिनों साफ हवा है, मुझे बताया जा रहा है, मुझे तो यही बताया जा रहा है, हालांकि मैं कुछ समय से वहां गया नहीं हूं। तो प्यार हवा में नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो आपके भीतर हो रहा है। तो आपकी भावनाओं ने मधुर रूप ले लिया है, वजह चाहे जो भी हो। तो अब आप बाहरी मदद का उपयोग कर रहे हैं, आप दूसरे व्यक्ति का उपयोग एक चाबी की तरह कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को मधुर बना रहे हैं। मैं आपको एक चाबी देना चाहता हूं जिससे आप बिना किसी की मदद के अपनी भावनाओं को मीठा बना सकते हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हैं?
क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप अपनी भावनाओं को हमेशा स्वीट रखें और चाबी आपके हाथ में हो। अगर आपने किसी और को चाबी दे दी तो आपको केवल चिंता होगी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ज्यादातर लव अफेयर ऐसे ही होते हैं, केवल पहले कुछ दिन खुशी, उसके बाद सिर्फ चिंता, कुछ बिल्कुल लाफत बन जाते हैं। ठीक है, ये इस पर है कि दूसरे में कितनी समझ है, पर मूल रूप से आपके भीतर जो होता है उसे आपको ही तय करना चाहिए। दुनिया में आपके आसपास क्या होता है ये कभी भी आपके द्वारा पूरी तरह से तय नहीं किया जा सकता, ये सभी को समझना चाहिए। You can never ever determine what happens around you. आप कभी भी खुद पूरी तरह से ये तय नहीं कर सकते कि आपके आसपास क्या होगा। अगर सिर्फ दो लोग हों तो भी आप ये तय नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा अपनी अलग चीजें करेगा। अगर किसी और के पास इसकी चाबी है, आपके पास नहीं, कभी वो इसे खोलेंगे, कभी वो इसे बंद कर देंगे और चाबी फेंक देंगे, तब आप कहते हैं प्यार एक आफत है। प्यार कोई आफत नहीं है, रिश्ते हमेशा दुर्भाग्य से एक आफत बन सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उन्हें ऐसा समझा जाए। बस इतना है कि Sometimes, कभी कभी इंसानी रिश्ते कारगर नहीं होते। जरूरी नहीं है कि एक आदमी और औरत के बीच का रिश्ता, भाइयों के बीच का रिश्ता कारगर नहीं होता, बहनों के बीच का रिश्ता कारगर नहीं होता, माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता कारगर नहीं होता, दोस्तों के बीच के रिश्ते कारगर नहीं होते। क्या ये सच नहीं है? कितनी तरीकों से काम नहीं करता। पर अब जब आपके मन में ये बेसिर पैर का विचार है कि किसी और को आपके अंदर मीठी भावनाएं पैदा करनी चाहिए, तब आप पक्का उस इंसान को सजा देंगे, पक्का वो इंसान कल सुबह गायब हो जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि प्यार पर आपका अधिकार है, आपको प्यार से भरा होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कोई हो कोई ना हो, क्या फर्क पड़ता है? आपकी भावनाओं का मधुर होना उसके खेलने के लिए बहुत जरूरी है जो खुद आप हैं। अगर आप अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी काबिलियत को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में सबसे असरदार तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आपकी भावनाएं हमेशा मधुर होनी।